एक सेकंड एक सेकंड बीजेपी का जो यार है हमारी रियासत हमारी रियासत हमारी रियासत हमारी रियासत हमारी रियासत आराम से आराम जब जब डरता है पूरी आस है हमारे साथ है हमें 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 पूरी आस है हमारे साथ कि आज का प्रोटेस्ट जो है स्टेट रूट के मुद्दे को लेकर है और जो MHA की तरफ से एक गाइडलाइन डायरेक्शन आई थी जिसमें LG को एम्पावर किया गया था उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है क्योंकि आपने देखा है एक तरफ हमें रियासत का वादा किया गया और दूसरी तरफ LG को इतना एम्पावर कर दिया गया कि जो डेमोक्रेटिक हत्या है वो इलेक्शन से पहले ही हो गई है। तो हम डिमांड करते हैं कि स्टेटहुड जो है इलेक्शन से पहले रिस्टोर हो और जो जितने भी हक हैं वो CM के पास होने चाहिए वापस दो और उसी के लेके ये मुद्दा जो है आज भी तो LG ही प्रशासन चल रहा है। 10 साल में बर्बादी हुई है हमारी जम्मू कश्मीर की वो आप देख सकते हैं इसी दौर में हुई है और जो हक है अगर LG के पास अगर हक LG को ही देने हैं तो उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हमारा इलेक्शन राइट है उसका क्या मतलब रह जाएगा। जब CM के पास पावर ही नहीं है तो इलेक्शंस का क्या मतलब रहेगा। मतलब है कि नहीं पहले होती तो आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं हमने ये नहीं कहा हम डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देना चाहिए क्योंकि हमें वादा किया गया था कि जल्द से जल्द हमें वापस मिलेगा। पहले अगर नहीं दिया गया तो हम डिमांड कर रहे हैं हम रोज सड़कों पर हैं हम चाहते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं BJP या तो ये कहे कि हमने यहाँ पे हालात सही नहीं किए 10 साल में और अगर नहीं किए तो पहले अपने आप गलती मानिए कि 10 साल में जो बर्बादी उन्होंने की है जम्मू कश्मीर की वो क्यों की है। जम्मू सिचुएशन को लेकर यूथ कांग्रेस का क्या मानना है? यही देखिए ना हम यही बात कर रहे हैं उन्होंने जब 370 तोड़ा जब उन्होंने ये कहा कि हम UT का दर्जा दे रहे हैं उसका कंसर्न सबसे बड़ा दिया गया सिक्योरिटी रीज़न। पहले सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था आतंकवाद अब आप देखिए जम्मू के हर हिस्से में आतंकवाद फैलता जा रहा है। तो कहाँ पे जो सरकार भाजपा की है या LG प्रशासन है वो सफल हुआ उल्टा बद से बदतर हालात जो है जम्मू कश्मीर के हो गए। इसलिए हम डिमांड कर रही है स्टेटहुड की डिमांड हमारी सबसे पहली डिमांड है और हम चाहते हैं इलेक्शन से पहले वो होनी चाहिए।